दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको एक कहानी जिसका टाइटल है मिसेस पैकलटाइट्स टाइगर। ये स्टोरी लिखी गई है साकी के द्वारा। इनका असली नाम तो हेक्टर ह्यूग मुंड्रो है, लेकिन जो इनका पैन नेम है वो साकी है। साकी से ये जाने जाते हैं। पहले वो स्टोरी के जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लें। तीन इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं इस स्टोरी के अंदर, मिसेस पैकलटाइट, लूना बिम्बर्टन एंड मिस मैबिन। तो जो पहला जो चीफ करेक्टर है इस स्टोरी का वह है मिसेस पैकलटाइट। ये एक ऐसी लेडी है जो कि जिसका जिंदगी में एक ही मिशन है कि वो अपनी जो नेबर, जो उसकी पड़ोसी है लूना बिम्बर्टन, उसको कैसे नीचे दिखा सके। जब उसे पता लगता है कि जो उसकी पड़ोसी लूना बिम्बर्टन ने अभी एरोप्लेन के अंदर सवारी की थी, और 11 माइल्स 11 माइल्स की सवारी की थी अल्जीरियन पायलट के साथ में, और तब से लोग उसकी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो उस अपने पड़ोसी की इस प्रशंसा से मतलब एक तरह से जल जाती है। और वो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो उसका जो उसकी प्रशंसा है, लोग उसकी जो प्रशंसा कर रहे हैं उसकी जगह मेरी प्रशंसा करें, और उसकी जो ये सफलता है वो मेरी सफलता के सामने कुछ भी ना रहे। तो वो सोचती है कि वो ऐसे क्या करे। तो वो सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं किसी टाइगर का शिकार करती हूँ, और अगर मैं टाइगर का शिकार करूंगी, उसमें सक्सेसफुल रहती हूँ, तो जो मेरी फोटोज़ है वो न्यूज़पेपर वगैरह में आएंगी, और उससे मेरी प्रशंसा सब करेंगे, और जो मेरी पड़ोसी है वो एक तरह से मेरे सामने थोड़ी सी मतलब झुक जाएगी, और मैं थोड़ी सी उसको नीचे दिखा पाऊंगी। तो ये तो है मिसेस पैकलिटेट। अब जो पड़ोसी है लूना विम्बर्टन, वो भी मिसेस पैकलिटेट के जैसे ही है। वो भी मिसेस पैकलिटेट की जैसे शो ऑफ बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा दिखावा करती है, और जो उसने जस्ट एक बाई एयर एक सवारी की तो उसका बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि उसकी जो पड़ोसी है मिसेस पैकलिटेट, उसने टाइगर का शिकार किया है, तो उसका एक तरह से दिमाग खराब हो जाता है, और वो मतलब जो मिसेस पैकलिटेट जो पार्टी करती है उसके अंदर भी जाने से मना कर देती है, और न्यूज़पेपर से पढ़ना बंद कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो न्यूज़पेपर्स के अंदर जो मिसेस पैकलिटेट की प्रशंसा के बारे में ही आर्टिकल्स आएंगे, तो इसलिए वो न्यूज़पेपर से पढ़ना बंद कर देती है। जो थर्ड करेक्टर है वो है मिस मेबिन। जो ये मिस मेबिन है वो एक तरह से मिसेस पैकलिटाइड की सेक्रेटरी बोल सकते हो, सेक्रेटरी है, क्योंकि जो मिसेस पैकलिटाइड है वो इसको एक तरह से सैलरी देती है उसके कामकाज करने के लिए। तो ये मिस मेबिन है, ये बहुत ही ज्यादा चालाक किस्म की औरत है, और बहुत ही ज्यादा लालची किस्म की औरत है, और वो मिसेस पैकलिटाइड से स्टोरी के एंड में पैसे भी निकलवाती है। कैसे निकलवाती है वो स्टोरी के एंड में पता लगेगा। तो इस तरह से ये तीन इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हो गए। अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। मिसेस पैकलिटाइड एक इंग्लिश वुमेन है, जो कि उसकी एक बहुत ही जबरदस्त इच्छा है कि वो एक टाइगर को शूट करे। तो जो मिसेस पैकलिटाइड है वो असल में बहुत बहादुर लेडी नहीं है, लेकिन होता यह है कि उसकी पड़ोसी है लूना बिम्बर्टन, वो उसने लूना बिम्बर्टन ने मतलब एक प्लेन के अंदर सवारी की थी अल्जीरियन पायलट के साथ में, और उसके बाद में से ही सबके सब लोग हैं ना जो लूना बिम्बर्टन की बहुत तारीफ करते थे कि देखो कितनी बहादुर लेडी है कि एक प्लेन में सवारी की है इसने 11 माइल्स की, तो मतलब सब उसकी तारीफ करते। तो इससे मिसेस पैकलिटाइड की एक तरह से मतलब जलन होने लग जाती है मिसेस पैकलिटाइड को, और वो कुछ ऐसा करना चाहती है ताकि जो लूना बिम्बर्टन का जो ये जो सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं उसकी तारीफ ना कर कर वो मिसेस पैकलिटाइड की तारीफ करें, और जो लूना बिम्बर्टन का जो करावा कार्य है वो उसके कार्य से छोटा हो जाए। तो इसके लिए सोचती है अगर वो टाइगर को शूट करेगी तो सब लोग उसको अटेंशन देंगे, सब लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसकी पड़ोसी की तारीफ नहीं करेंगे। तो वो प्लानिंग करती है टाइगर की शिकार करने के लिए। वो पास के एक गांव के अंदर उसे पता लगता है कि वहां पर एक टाइगर है जो कि काफी बूढ़ा है, तो वो जाकर वहां के गांव वालों से मिलती है, उनको बताती है कि अगर आप लोग मेरे इस टाइगर को मारने में हेल्प करोगे तो मैं आप लोगों को 1000 रुपीज 1000 रुपए दूंगी। 1000 रुपए उस टाइम के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू रखते थे। तो जो गांव वाले हैं वो बहुत खुश हो गए कि यार 1000 रुपए मिलेंगे, तो मतलब बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। तो उन्होंने मतलब पूरी प्लानिंग की टाइगर को हंट करने की, टाइगर का शिकार करने की, कि जो लड़के लोग थे गांव के वो मतलब देखते थे कि जो टाइगर है वो भी कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, और उसके बाद उन्होंने मतलब एक पेड़ के ऊपर लोकेशन, पेड़ अच्छा सा पेड़ चूज करके उसके ऊपर एक स्टेज बना दिया, एक मचान बना दिया, ताकि वहां पर पेड़ के ऊपर बैठकर गोली से टाइगर को खत्म किया जा सके। तो होता यह है कि जिस दिन मतलब जिस रात को पैकलिटाइड को वहां आकर उस टाइगर का शिकार करना था, उस रात को वहां आ जाती है, उसके साथ में जो उसकी असिस्टेंट है मिस मेबिन वो भी होती है। वो दोनों के दोनों उस पेड़ के ऊपर जो स्टेज लगाया गया है, मतलब एक मचान लगाया गया है, उस पर जाके बैठ जाते हैं और टाइगर का वेट करते हैं। वहाँ पर एक गोट बकरी भी बांध दी गई है ताकि जो टाइगर है वो आकर उस बकरी को खाए, और उसी दौरान हम टाइगर का शिकार कर लें। जो मिस मेबिन है वो मिसेस पैकलिटेट को बोलती है कि हमने 1000 रुपये कुछ ज़्यादा ही दे दिए, इन गांव वालों को 1000 रुपये इस टाइगर के बनते नहीं हैं। तो जो मिसेस पैकलिटेट बोलती है मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो बस टाइगर का शिकार करना है।
तो उसके बाद में वो टाइगर वहां आता है और टाइगर ना जो गॉट है उसको खाने के लिए आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है। तो इसी बीच जो मिसेस पैकलीटाइड है वो टाइगर को शूट कर देती है, गोली चलाती है उसके ऊपर और टाइगर मारा जाता है। और तो वो सब के सब बहुत खुश जाते हैं कि जो मिसेस पैकलीटाइड ने टाइगर का शिकार कर लिया, और गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और कि उन्हें तो 1,000 रुपये मिलने वाले हैं। मिसेस पैकलीटाइड भी बहुत खुश होती है कि उसने टाइगर का शिकार कर लिया, सब खुश होते हैं। लेकिन इसी बीच जो मिस मेबिन है वो बोलती है कि ना, मिसेस पैकलीटाइड को बोलती है कि मुझे लगता है कि जो टाइगर है आपने टाइगर को नहीं मारा, आपने तो बकरी को मार दिया। तो मिसेस पैकलीटाइड बोलती है क्यों, कैसे कैसे लग रहा है तुमको ऐसा। तो मिस मेबिन है वो बोलती है कि जो टाइगर है उसके तो गोली लगी नहीं है, गोली तो बकरी के लगी है। मुझे लगता है कि जो टाइगर है वो तो क्योंकि बूढ़ा था तो वो तो गोली की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आवाज गोली की आवाज से उसको हार्ट अटैक आ गया होगा ऐसा। तो जो मिसेस पैकलीटाइड है वो थोड़ा सा नाराज, थोड़ा सा मतलब उदास हो जाती है कि उसने टाइगर को नहीं बकरी को मारा है। लेकिन फिर भी वो ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है ना, कम से कम मुझे इस टाइगर की स्किन तो मिली जाएगी। और वो गांव वालों को बोलती है कि इस राज को राज ही रखें, गांव वाले उसको बिल्कुल अश्योर करते हैं कि इस राज को हम राज ही रखेंगे, उन्हें तो 1,000 रुपये चाहिए थे तो उन्हें क्या मतलब है। तो इस तरह से फिर जो मिसेस पैकलीटाइड है वो टाइगर की स्किन को अपने घर पे लगा देती है, और न्यूज़पेपर्स के अंदर उसकी फोटो आती है उस स्किन के साथ में। सब लोग पड़ोसी सब लोग उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत बहादुर लेडी है। और जो इस मतलब सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, इससे जो उसकी जो पड़ोसी थी लूना बिम्बर्टन, मतलब वो तो बिल्कुल एक तरह से जलकर बिल्कुल जल जाती है, बिल्कुल जलकर एक तरह से राख ही हो जाती है कि मिसेस पैकलीटाइड की सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। और एक तरह से बहुत ही ना लूना बिम्बर्टन को तो बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत नाराज भी होती है, बहुत जेलस करती है कि ना सबके सब लोग मिसेस पैकलीटाइड की तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ वो न्यूज़पेपर्स वगैरह भी देखना बंद कर देती है क्योंकि न्यूज़पेपर्स के अंदर भी मिसेस पैकलीटाइड है, उसी की बातें आती हैं, उसी के आर्टिकल्स आते हैं, तो वो न्यूज़पेपर्स भी देखना बंद कर देती है। तो मिसेस पैकलीटाइड है वो एक लंच पार्टी रखती है, लेकिन लूना को इन्वाइट करती है, लेकिन लूना आने से मना कर देती है। लेकिन जब फिर मिसेस पैकलीटाइड उसे एक गिफ्ट देती है, टाइगर क्लॉ ब्रोच, मतलब जो एक ऐसा गिफ्ट देती है जो जिसमें टाइगर के जो नाखून होते हैं उस पर थोड़ी सी मतलब गोल्ड वगैरह लगाकर या कुछ इस तरह से लगाकर एक ज्वेलरी से बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइगर क्लॉ ब्रोच। वो मतलब लूना को गिफ्ट करती है, तो लूना उसको ले लेती है, आधे मन से ले लेती है लेकिन ले लेती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जो मिस मेबिन है क्योंकि वो बहुत ही लालची किस्म की औरत है, तो उसे लगता है कि यार इस मौके को तो भुनाया जा सकता है। तो वो जो मिसेस पैकलीटाइड है वो उसको बोलती है, मिसेस पैकलीटाइड की को बोलती है कि आपने तो टाइगर को मारा ही नहीं था, आपने तो बकरी को मारा था। अगर मैं आपकी ये बात सब लोगों को बता दूं तो आपकी तो मतलब एक तरह से मतलब थूथू हो जाएगी, सब लोग आपको मतलब एक तरह से बोलेंगे कि देखो कितना नौटंकी वाली औरत है ना, ऐसा बोलेंगे सब लोग आपको। तो मिसेस पैकलीटाइड बोलती है कि तुम्हारी बात पे विश्वास कौन करेगा। तो जो मिस मेबिन है वो बोलती है कि कोई और करे ना करे, लेकिन जो लूना बिम्बर्टन है वो पक्का मेरी बात पे विश्वास करेगी। तो इसके जो मिसेस पैकलीटाइड है वो एक तरह से डर जाती है कि यार बड़ी मेहनत से तो मैंने मतलब ये प्रशंसा पाई है, बड़ी मेहनत से मेरी फोटोज अखबार में आई है, बड़ी मेहनत से मैंने लूना को एक तरह से मतलब जलाया है, एक तरह से उसको नीचा दिखाया है, और ऐसे तो मेरा सब कुछ किया धरा धरा का धरा रह जाएगा। तो मिसेस पैकलीटाइड से पूछती है मिस मेबिन से कि तुम चाहती क्या हो। तो जो मिस मेबिन है वो बोलती है कि उसे सिर्फ 680 पाउंड 680 पाउंड चाहिए ताकि वो एक वीकेंड हाउस नियर डॉर्किंग खरीद सके और वहां रह सके। तो अब क्योंकि मिसेस पैकलीटाइड के पास में और कोई ऑप्शन नहीं था तो उसे वो पैसे देने ही पड़ते हैं। और इसकी एवज में जो मिस मेबिन है वो अपने राज को छुपा कर रखती है और राज को राज ही रखती है। तो जो इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है, मिसेस पैकलीटाइड जो लास्ट में बोलती है कि उस आगे से वो कभी भी इस तरह की मतलब आइडियाज पे काम नहीं करेगी, क्योंकि मतलब बोलती है अनप्लान्ड कॉस्ट वर टू हैवी फॉर सच काइंड ऑफ हंटिंग, मतलब इस तरह के शौक पालने के चक्कर में मतलब इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आगे से मैं कोई इस तरह की प्लानिंग या इस तरह का कोई आइडिया नहीं करूंगी। इसके साथ में ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन नजर आता है उसे दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डाले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स एंड टेक केयर।